फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आज हम बात करेंगे दक्षिण विधानसभा के विधायक सोमेंद्र तोमर से। आज वो हमारे साथ में हैं और हम लोग आज देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना मेरठ में अपने व्यापक प्रसार कर चुका है, लेकिन उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रुख है और लगातार नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है, जबकि ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि जनप्रतिनिधि एकदम से अपनी खामोशी अख्तियार कर चुके हैं, तब ऐसे में एक बड़ा नाम सोमेंद्र तोमर सामने आया है, जिसने थोड़ी बहुत आवाज इस बारे में उठाई है और एक जनता के बारे में हित में सोचा है। आइए हम बात करते हैं सोमेंद्र तोमर से। सोमेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि आप इस कोरोना को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट बाइट टीवी का धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से आम आदमी तक बात पहुँचे। और मैं कहूँ कि कोरोना जैसी ये वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में एक बड़ी बीमारी के रूप में, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से पूरे विश्व में इसने अपना है, सब लोगों को उजागर है, और मैं कह सकता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने शुरुआत से ही सावधानी के साथ जिस तरह से निर्देश दिए हैं, मुझे लगता है कि भारत में हम लोग उस स्थिति से अभी ठीक है। लेकिन आंकड़ा धीरे धीरे जो बढ़ता जा रहा है, और मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पूरे परिवार की चिंता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन मेरठ की जो स्थिति बिगड़ी शुरुआत से ही, जब संख्या 3 थी, मैंने उस समय भी कहा था कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए। मेडिकल में कुछ अव्यवस्थाएँ हुई, कुछ प्रशासनिक लेवल पर कुछ अव्यवस्थाएँ हुई, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जब अवगत कराया, तो मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सजगता के और गंभीरता के कारण ही यहाँ पर अधिकारी आए और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में सुधार भी हुआ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कंटिन्यूस वीडियो और ऑडियो सामने आ रहे थे, उसकी अवस्था को लेकर के लोग वहाँ पर किस तरह से मर रहे थे या किस तरह से अवस्था से जूझ रहे थे, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि केवल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटा दिया, यानी कि उनको बलि का बकरा बना दिया गया? ऐसा आईएमए भी कह रहा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि हमें जनता के प्रतिनिधि और जनता की आवाज़ बनना ही हम लोगों का उद्देश्य है। जनता के बीच से जो भावनाएं उठकर आई, हमने उन भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और वास्तव में उसी के अनुसार प्राचार्य पर कार्रवाई हुई। और मैं कह सकता हूँ कि आज मेडिकल कॉलेज का परिदृश्य बदला है, लेकिन सिर्फ बलि के बकरे की मैं बात नहीं करता। प्राचार्य पे जो कार्रवाई हुई वो यहाँ की रिपोर्ट के आधार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जानकारी में आया उसके आधार पर हुई है, लेकिन सिर्फ मेडिकल कॉलेज दोषी मैं ये नहीं कह सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों की चूक शुरू से ही इसमें रही है। यदि मैं क्वारंटीन सेंटर की बात करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि क्वारंटीन सेंटर हम लोगों को पहले ही बनाने, इतनी क्षमता के हमें क्वारंटीन सेंटर तैयार करने, इन लोगों ने सेंटर तो बनाए लेकिन उन सेंटर में अंदर जाके ये नहीं देखी कि उनकी व्यवस्थाएँ क्या है, वहाँ टॉयलेट कैसी है, वहाँ ये नहीं देखा कि वहाँ सफाई की व्यवस्था क्या है, वहाँ खिड़की तो नहीं टूटी हुई है, वो कितने दिन से बनता, ये प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है। तो क्या इस प्रशासनिक चूक को जो आप मान रहे हैं चूक हुई है, क्या उसको किस तरह से शासन ने लिया, क्या उस पर कुछ सख्त कदम किया या उसे भी भगवान भरोसे जैसे चला आया उस पर ही छोड़ दिया जाए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, और मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मुख्यमंत्री जी की चर्चा की जाती है, चाहे वो भोजन के वितरण की अव्यवस्था रही हो, क्वारंटीन सेंटर की अव्यवस्था रही हो, या नोडल ऑफिसर्स भी आए थे हम लोगों की, मेरी परसों भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और मैंने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, और मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से गंभीर है और उसमें परिणाम आए। अभी जैसा आपने खुद ही छेड़ा है मुद्दा खाद्यान्न वितरण का, उसमें भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, इवन आपकी पार्टी के लोगों ने ही उस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया, लेकिन वो एकाएक जिस तरह से उबाल उठा था, आपके जिला मंत्री ने जिस तरह से उठाया था, वो उसी तरीके से दब भी गया, किस नज़र से देख रहे हैं? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई भी कार्यकर्ता किसी बात को कहता है या आम आदमी भी किसी बात को कहता है, मुद्दा जैसे उठा था मुद्दा आज भी उसी तरह से है। जब मैंने स्वयं परसों माननीय मुख्यमंत्री जी को उस विषय में बता दिया है, एक जो हमारा प्रमुख
उच्च स्थान है, हमने वहाँ तक अपनी बात पहुँचा दी, अब हम रोज उसी के बारे में कहते रहे तो मुझे लग रहा है ये कोई ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अवगत करा चुके हैं, सारा विषय हमने उन्हें बता दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरी जानकारी में ठीक होगा। विधायक जी, अभी एक नया कदम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उठाया गया है कि सप्ताह में 2 दिन वो संपूर्ण लॉकडाउन करेगा और बाकी दिन लॉकडाउन करेगा। पब्लिक में एक आम धारणा और सोशल मीडिया पर अगर आप देख भी रहे हो तो उसमें कुछ उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे हाफ प्लेट बिरयानी और फुल प्लेट बिरयानी, तो आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो कदम एडमिनिस्ट्रेशन उठा रहा है उससे हम इस कोरोना महामारी पर काबू पाएंगे, जैसा वो दावा कर रहे हैं कि ये चेन टूटेगी, तो क्या ऐसे चेन टूट पाएगी या नहीं? ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं, मैंने तो अप्रैल में ही कहा था 16 अप्रैल में कि कम से कम 7 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, 7 दिन का कम्प्लीट सख्ती के साथ हम लोग लॉकडाउन करें। लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ 1 या 2 दिन से काम नहीं चलने वाला। जिस तरह से मेरठ की स्थिति हुई है, मैं कहता हूँ कि 14 दिन हमें कम्प्लीटली लॉकडाउन पूरी तरह से सख्ती के साथ पालन कराना पड़ेगा, और उससे जो हमारी एक चेन है ये चेन खत्म हो जाए। मुजफ्फरनगर में ठीक हो सकता है, ये तो मेडिकल हब है, मेरठ में हम लोगों को 14 दिन का कम्प्लीटली लॉकडाउन की पूरी तरह से आवश्यकता है। अभी ये 2 दिन और 5 दिन, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ इससे। और मैंने जैसे लोगों से भी सुझाव मांगे थे, लोगों का फीडबैक भी यही है कि ये लॉकडाउन जो है कम से कम 14 दिन का होना चाहिए। यानी कि ये हुआ कि जो अभी तक लॉकडाउन चला आ रहा था, लगभग 2 महीने का लॉकडाउन है, वो व्यर्थ गया। देखिए, व्यर्थ नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से पालन होना चाहिए था, आप भी देख रहे होंगे, आप मीडिया के बड़े वरिष्ठ हैं, और मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन का सख्ती से जो पालन होना चाहिए था वो मेरठ के अंदर नहीं हुआ, उसी के वजह से इतनी संख्या बढ़ती चली गई। यानी कि पहले दिन से ही लॉकडाउन का बहुत हल्के में लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हल्के में लिया गया, कहीं ना कहीं मैं इस निवेदन के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को भी जितनी गंभीरता से, यानी हमारे सम्मानित नागरिकों को भी जितनी गंभीरता से उसे, लेकिन मैं उसके साथ साथ मैंने मीटिंग में भी कहा कि शुरुआत के 6-7 दिन यही पुलिस थी मेरठ की, यही प्रशासन था, यही यहाँ की जनता थी, कोई घर से नहीं निकला, पूरी तरह से कम्प्लीटली लॉकडाउन था। तो फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें छूट होती चली गई, लोग उसी तरह से आराम से निकलने शुरू हुए। आवश्यकता है, मैं फिर कहता हूँ कि 14 दिन का कम्प्लीटली पूरी तरह से सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। ठीक है विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।